सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा, हम सभी जानते हैं कि अक्षय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सबसे तेज़ी से ग्रो कर रही इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो है सोलर एनर्जी। इंडिया में सोलर पावर जनरेशन की बात करें तो सोलर पावर जनरेशन 44.3 गीगावाट है, 44.3 गीगावाट, जो कि विश्व में पांचवें स्थान पे, फर्स्ट चाइना, दो सौ सात दशमलव सात गीगावाट के साथ, सेकंड यूएस 75.9 गीगावाट के साथ, थर्ड जापान 63 गीगावाट, फोर्थ पोजीशन जर्मनी विथ 49.2 गीगावाट। तो सोलर पावर जनरेशन में हम दुनिया में पांचवें नंबर पे आते हैं। इंडिया की अगर बात करूं तो टोटल पावर जनरेशन जो इंडिया में होता है वो 386 गीगावाट, टोटल पावर जनरेशन, जिसमें हमारे थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सब कुछ आ जाता है। तो इंडिया में 386 गीगावाट 31/7/2021 तक का अगर डेटा देखें तो 386 गीगावाट जनरेशन टोटल है, जिसमें थर्मल एनर्जी से 234 गीगावाट, जो कि टोटल जनरेशन का 60.9% है। हाइड्रो पावर प्लांट तो हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेशन जो है अप्रॉक्सीमेट 46 गीगावाट है, जो टोटल जनरेशन का 12.1% है। सिमिलरली अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट का देखें तो टोटल जनरेशन ओनली 6 गीगावाट है, जो टोटल जनरेशन का 1.8% है। और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम से देखें तो 98 गीगावाट, जो टोटल जनरेशन का 25.2% टोटल है। अगर सिर्फ हम सोलर जनरेशन की बात करें तो टोटल 386 गीगावाट का अप्रॉक्सीमेट 11% जनरेशन जो हो रहा है आज की डेट में वो सोलर एनर्जी से या सोलर पावर से हो रहा है। इसीलिए सोलर एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे सबको मालूम है कि सोलर सेल होते हैं, या सोलर फोटोवोल्टेक भी बोलते हैं, या सोलर पीवी भी बोलते हैं। बट सोलर पीवी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन आता है, सोलर सेल काम कैसे करते हैं, क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है उनका। कुछ लोग जो जानते हैं सोलर सेल काम कैसे करता है, उनके लिए आईवी कैरेक्टरिस्टिक का शेप ऐसा ही क्यों होता है, ये क्वेश्चन आते हैं। या क्वेश्चन ये हो सकता है कि सोलर सेल करंट सोर्स होता है या वोल्टेज सोर्स होता है, या सोलर सेल को सीरीज कनेक्ट करते हैं या पैरेलल कनेक्ट करते हैं, और सर्किट पे इसका क्या इफेक्ट आता है। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोलर सेल काम कैसे करता है। उसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पीएन जंक्शन डायोड या नॉर्मल हम जो डायोड वर्ड यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, या उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड में हमें मालूम है पी साइड होल्स होते हैं और एन साइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी साइड होल्स एंड एन साइड इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कंसेंट्रेशन की बात करें तो एन एन साइड क्या होता है, एन साइड हमारा नेगेटिव पोटेंशियल होता है, पी साइड क्या है आपके होल्स हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। अब जब हम इसकी करंट वर्सेस वोल्टेज या आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो ये सब हमने मॉडर्न फिजिक्स में 12th में
या इंजीनियरिंग के बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ रखा है कि जब हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का शेप मिलता है। तो मिनिमम या ये सेचुरेशन करंट होती है, कब तक? जब तक ये फॉरवर्ड बायस में इस वोल्टेज को क्रॉस नहीं कर लेता। ये वोल्टेज क्या होता है? 0.7 वोल्ट। किसके केस में? सिलिकॉन के केस में। और जर्मेनियम के केस में हमें मालूम है ये 0.3 वोल्ट होता है अप्रॉक्सीमेट। तो अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायसिंग में, मीन्स पी साइड को आपने पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन साइड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूँ, और इस वोल्टेज को ज़ीरो से लेके इनक्रीज करूँ, तो 0.7 वोल्ट के बाद इसका रेजिस्टेंस जो है पीएन जंक्शन डायोड का, ये मिनिमम हो जाता है। रेजिस्टेंस मिनिमम। इसी वर्किंग को अगर हमें देखना है तो ये 0.7 वोल्ट एक्चुअली है क्या? तो ये बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। जब हम होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की लेयर को मर्ज करते हैं, या पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से मर्ज करते हैं, तो एक डिप्लीशन रीजन या न्यूट्रल रीजन डेवलप हो जाता है। अब इस न्यूट्रल रीजन के लेफ्ट हैंड साइड तो होल्स है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और राइट हैंड साइड क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, निगेटिव चार्ज कैरियर। तो ये जो चार्ज में डिफरेंस है, यही क्या कहलाता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट। मैंने बताया सिलिकॉन के केस में होता है, और जर्मेनियम के केस में ये 0.3 वोल्ट होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो सभी को मालूम होगी, बट यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये करंट जो अंदर जा रही है, ये करंट हमारी, हमने ये वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रखी है, और वोल्टेज जो आप यहाँ पे बैटरी का दे रहे हो, मैंने यहाँ वेरिएबल साइन लगाया, क्यों? क्योंकि हम इसको ज़ीरो से लेके 0.7 0.8 तक लेके जा रहे हैं। तो करंट इंक्रीज करेगा कब? जब आपका ये पोटेंशियल बैरियर टूटेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या हो अगर मैं इस सेम पीएन जंक्शन डायोड को सोलर रेडिएशन में रख दूँ, सोलर रेडिएशन या सोलर इंसुलेशन या सिंपल हम कहें तो लाइट एनर्जी या जो धूप है, तब क्या होगा? तो हमें मालूम है लाइट जो है, या सोलर रेडिएशन जो है, या सोलर इंसुलेशन जो है, वो फोटॉन्स के फॉर्म में होता है। तो जब फोटॉन्स इस न्यूट्रल रीजन पे या पी रीजन पे या एन रीजन पे गिरेंगे, तब क्या होगा? यहाँ जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे वो इस एनर्जी को, फोटोन एनर्जी को लेके एक्सेलरेट हो जाएंगे, और यहाँ पे नए चार्ज कैरियर बनने लगेंगे जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के शेप में होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं ईएचपी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन, ईएचपी क्रिएशन। तो लाइट एनर्जी से या फोटोन की एनर्जी से न्यूट्रल पार्टिकल एक्सेलरेट होके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? नए इलेक्ट्रॉन और होल में। तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ गया। इसी तरह सेम लाइट एनर्जी को लेके या सोलर रेडिएशन से यहाँ नए होल्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, जो पी साइड भी होंगे, एन साइड भी होंगे, और इस डिप्लीशन या न्यूट्रल रीजन में भी होंगे। तो ये चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये जो नए इलेक्ट्रॉन और होल्स आने की वजह से जो चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये क्या है? जंक्शन वोल्टेज को इनक्रीज कर देगा अबो 0.7 वोल्ट। सपोज हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ही बात कर रहे हैं, तो ये जो इंक्रीज जंक्शन वोल्टेज है, ये 0.7 वोल्ट से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली। सपोज 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल्स के कारण जो चार्ज कंसंट्रेशन था वो 0.7 वोल्ट बना रहा था, तो फॉर एग्जांपल उसी 10 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर इलेक्ट्रॉन और होल को अगर मैं 100 100 कर दूँ, तो ऑब्वियसली चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ये जो जंक्शन वोल्टेज है ये इंक्रीज हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस कंडीशन में, जब आपने इस पीएन जंक्शन डायोड को सोलर रेडिएशन में रखा है, तब क्या होगा? तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक जो है उस पे क्या इफेक्ट आएगा? तो जैसे ही आप यहाँ 0 वोल्ट की बैटरी लगाओगे, 0 वोल्ट मीन्स आप उसको शॉर्ट सर्किट कर रहे हो, तो इनिशियली जो पहली कंडीशन थी उसमें आपका 0 के आसपास करंट फ्लो हो रहा था, वही करंट अब क्या होगा? क्योंकि यहाँ चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ गया है 0.7 वोल्ट से, सपोज ये 1.5 वोल्ट हो गया, ठीक है,
नए इलेक्ट्रॉन्स और होल के कारण। नए इलेक्ट्रॉन्स और होल किस कारण आए? क्योंकि सोलर रेडिएशन दिया आपने। तो 1.5 वोल्ट को जब आप 0 वोल्ट दोगे इस पॉइंट पे, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू क्या है? 0। तो करंट एक बाहर की तरफ आएगी। प्रीवियस केस में जो करंट आपकी अंदर की तरफ फ्लो हो रही थी, वही करंट अब बाहर आने लगी, तो हम इसे नेगेटिव से देंगे। सपोज 0.6 एम्पियर की करंट बाहर आ रही है। अब जैसे जैसे मैं इस बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज करते जाऊंगा, वैसे वैसे इस करंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब हम इस पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं। 0.5 वोल्ट पे भी करंट की वैल्यू 0.6 ही है, सपोज 0.6, 0.7। अब जैसे जैसे ये वोल्टेज जो नया जंक्शन वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, और ये कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहे हैं हम? 0 से लेके सपोज 2 वोल्ट तक। तो ये जब 1.5 पहुँचेगा, ये डीसी बैटरी जब 1.5 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेट पहुँचेगी, तब क्या होगा? इस करंट की वैल्यू 0 जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल सेम हो गया, तो करंट नहीं फ्लो होगा। और 1.5 वोल्ट से अगर मैं करंट इस वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ, तब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनसाइड द पीएन जंक्शन डायोड। तो 0 से लेके 1.5 वोल्ट तक करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, 1.5 वोल्ट पे 0 होगी, और 1.5 वोल्ट पे करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द पीएन जंक्शन डायोड हो जाएगी। तो ये जो पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक है, ये नीचे शिफ्ट हो जाती है, और किस वैल्यू से शिफ्ट होती है? तो हमने उसको लेटस से IPH या फोटोन जनरेटेड करंट, किसी किसी रेफरेंस बुक में से IL भी दिया, नॉमेनक्लेचर IL यूज़ किया होता है। IL मीन्स लाइट जनरेटेड करंट या फोटोन जनरेटेड करंट। अब ये कैरेक्टरिस्टिक जो यूँ शिफ्ट हो गई है, इसका एनालिसिस करते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से शिफ्ट हो गई है नीचे। अब हम बात करते हैं शिफ्ट फ्रॉम क्वाड्रेंट 1 टू क्वाड्रेंट 4। अब IV कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन डायोड की जब हम बना रहे थे, तो हम पीएन जंक्शन डायोड को क्या ले रहे हैं? नॉर्मल पेसिव एलिमेंट क्या होते हैं? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, ऐसे एलिमेंट या ऐसे सर्किट एलिमेंट जो एनर्जी को रिसीव करते हैं। पेसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो एनर्जी सब सर्किट में सप्लाई करते हैं। तो हमें मालूम है डायोड पेसिव एलिमेंट है, ये सर्किट में एनर्जी सप्लाई तो करता नहीं है। एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे बैटरी या डीसी सोर्स ये हमने लगा रखा है। इन पेसिव एलिमेंट में हम क्या करते हैं, कन्वेंशनली जहाँ से करंट एंटर कर रहा है उस पॉइंट को पॉजिटिव मान लेते हैं। देखो इंडक्टर के केस में भी, जहाँ से करंट हो रहा है वहाँ से, जहाँ से करंट एंटर कर रहा है वो पॉइंट पॉजिटिव, और जहाँ से एग्जिट कर रहा है उस पॉइंट को नेगेटिव मान लेते हैं। बट जब आपने इसको सोलर रेडिएशन में रखा, इस डायोड को, और इस बैटरी का वोल्टेज आपने क्या किया? 0 किया, तो यहाँ से करंट बाहर आने लगी। मीन्स अब ये एनर्जी रिसीव नहीं कर रहा है, अब ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो ये जो जोन है किसका? इस पीएन जंक्शन डायोड का, ये चेंज हो गया है फ्रॉम पेसिव टू एक्टिव एलिमेंट। जो एनर्जी ये रिसीव कर रहा था डायोड, अब सोलर रेडिएशन लेके ये सप्लाई करने लगा सर्किट को, तो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया ये। जैसे ही आप इसको सोलर रेडिएशन में रख रहे हैं, और एक्टिव एलिमेंट में हमें मालूम है कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट बाहर निकलती है, हम उसे पॉजिटिव करंट मानते हैं। जैसे ये बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाली करंट को हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है? तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पी साइड पॉजिटिव, एन साइड नेगेटिव, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट बाहर आ रही है ये पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, इस IV कैरेक्टरिस्टिक को फर्स्ट स्टेप में नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी पीएन जंक्शन डायोड सोलर रेडिएशन में,
और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमने ड्रॉ की, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमने ड्रॉ की किससे, सेकंड से, जिसमें हमने करंट की माइनस वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, -0.6 +0.6। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फ्लिप हो जाएगी एक्स एक्सिस से, तो ये ऊपर की तरफ आ गई। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि जो नेगेटिव करंट आ रहा था, क्योंकि यहाँ हम क्या मान रहे थे पीएन जंक्शन डायोड को, पेसिव एलिमेंट, बट क्योंकि अब ये करंट सप्लाई कर रहा है तो ये क्या हो गया है, एक्टिव एलिमेंट। तो हमने जो बाहर आ रही पॉजिटिव टर्मिनल से करंट, उसको पॉजिटिव मान के ये कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से बना ली। तो क्योंकि ये जो पीएन जंक्शन डायोड था हमारा नॉर्मल, लाइट कंडीशन में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक करंट बाहर की तरफ निकाल रहा है, अगर मैं एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दूं यहाँ पे, वैल्यू आर है, तो ये करंट सप्लाई करने लग रहा है इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मीन्स ये क्या है, एक सोर्स की तरह काम कर रहा है। आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ये सोर्स करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, बट अगर ये सप्लाई कर रहा है मीन्स ये क्या है, एक सोर्स है। किसका सोर्स? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। और ये उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। यहाँ देखते हैं, तो ये जो 0.6 है, ये क्या है आपका, शॉर्ट सर्किट करंट। पिछली स्लाइड में गलत प्रिंट हो गया था, तो ये शॉर्ट सर्किट करंट है, ISC। देखो वोल्टेज कब जीरो होगा, पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस। ये आपकी एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे करंट है। तो वोल्टेज जीरो मींस आपने पीएन जंक्शन डायोड या सोलर सेल जो है अब आपका, उसके अक्रॉस यहाँ पे 0 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। 0 वोल्ट मीन्स शॉर्ट सर्किट है। तो मैक्सिमम करंट जो सोलर सेल दे सकता है, वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, शॉर्ट सर्किट करंट या ISC से। तो ये पहला इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ये, जहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू जीरो है मीन्स जब आप यहाँ पे वोल्टेज को या रेजिस्टेंस अगर आप लगा रहे हैं, तो इनफाइनाइट अगर आप रेजिस्टेंस लगा दें, क्योंकि कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे ओपन सर्किट कंडीशन है, तो ये पॉइंट कहलाता है आपका VOC या ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गए, नंबर 1 शॉर्ट सर्किट करंट और नंबर 2 ओपन सर्किट वोल्टेज। अब इस आईवी कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान से अगर देखें, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन पहले अपने आप से पूछा था कि क्या ये करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, तो आंसर आपको इसी आईवी कैरेक्टरिस्टिक से मिल जाएगा। हमें दिख रहा है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक करंट जो है वो अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट करंट रीजन हो गया। और 0.6 से लेके 0.753 वोल्ट तक क्या है हमारा, ध्यान से देखोगे अगर इस कैरेक्टरिस्टिक को, तो वोल्टेज एक पर्टिकुलर जोन में है, मीन्स अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रोक्सीमेट 70% जो सोलर सेल होता है वो करंट सोर्स की तरह काम करता है, और अप्रोक्सीमेट 30% सोलर सेल जो है वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलर सेल वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, तो आंसर ना तो ये करंट सोर्स है ना ही ये वोल्टेज सोर्स है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है 70% के आसपास करंट सोर्स की तरह होती है, और 30% के आसपास वोल्टेज सोर्स की तरह होती है। बट क्योंकि इसकी ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक जो मैच करती है वो करंट सोर्स से है, तो हम इन जनरल कभी कभी सोलर सेल को करंट सोर्स बोल सकते हैं। अब इसी आईवी कैरेक्टरिस्टिक से हम, पावर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
मीन्स इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू है 0.6 और वोल्टेज क्या है, जीरो। पावर क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक डीसी है, तो पावर वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो हम पावर ड्रॉ करना शुरू करते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय जीरो, पहला पॉइंट हमें जीरो मिल गया। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ आ जाएगा। इस पॉइंट पे अगर देखें तो करंट की वैल्यू अगेन 0.6 के आसपास है और वोल्टेज 0.2, तो यह हमारा 0.12 समथिंग आ गया। इस तरह से जब हम ड्रॉ करते चलेंगे तो पावर वर्सेस वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक हमें कुछ इस तरह से मिलेगी, जो ये रेड कलर से मार्क की हुई है। तो यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि पावर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल पे ही मैक्सिमम होती है, और किसी अगर पॉइंट पे करूँ तो वहाँ पावर की वैल्यू मिनिमम हो सकती है। तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी मैक्स। जनरली आप जब किसी भी सोलर पैनल का डेटा शीट उठाते हो तो वहाँ आपको पी मैक्स या पी की टर्म में, पी एम की टर्म में रेटिंग दी होती है। सपोज कोई एक पीवी मॉड्यूल है जो 250 वॉट का है, उसका मतलब ये क्या है, मैक्सिमम पावर है जो सोलर पैनल दे सकता है। बट हमेशा ये सोलर मैक्सिमम पावर पे ऑपरेट नहीं होता, ठीक है। उसके लिए मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग एल्गोरिदम होती है, जो हम हमारे कौन सी आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो मैक्सिमम पावर 250 वॉट, या इसलिए वॉट पीक में दी होती है आपकी डेटा शीट में। वॉट पीक का मतलब ये मैक्सिमम 250 वॉट जनरेट कर सकता है। तो ये जो पीएम या पी मैक्स होता है, इसका मतलब अब समझ गए होगे आप लोग। अब देखते हैं और दूसरे पॉइंट, इस पी मैक्स के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज होगा, ठीक है आपका, ये हो गया करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर या आईएम। तो टोटल 5 पैरामीटर होते हैं किसी भी डाटा शीट में। फर्स्ट वन इज पी मैक्स, वी एम, आई एम, वी ओ सी और आई एस सी। ये 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गए टोटल। नंबर 1 पी मैक्स, नंबर 2 वी एम, नंबर 3 आई एम, नंबर 4 वी ओ सी और नंबर 5 आई एस सी। पी मैक्स क्या है? मैक्सिमम पावर जो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में, एस टी सी स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होती है, उस कंडीशन में मैक्सिमम पावर कितनी जनरेट कर सकता है सोलर पैनल। वी एम, जब वो मैक्सिमम पावर जनरेट कर रहा उस समय उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। जब वो मैक्सिमम पावर जनरेट कर रहा है उस समय उसका करंट कितना होगा, आई एम। वी ओ सी, जब आप स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में सोलर पैनल को ओपन सर्किट रख दोगे तो वो कितना वोल्टेज डेवलप करके देगा। तो हमें इस कैरेक्टरिस्टिक से साफ समझ में आ रहा है वी ओ सी क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड बाय अ सोलर पैनल। सिमिलरली आई एस सी क्या है, जब आपने जीरो रेजिस्टेंस अप्लाई किया या शॉर्ट सर्किट कर दिया किसी सोलर पैनल को, तो आई एस सी शॉर्ट सर्किट करंट। मीन्स ये भी क्या हो गया, जो हमारे इस कैरेक्टरिस्टिक में हमने लिया 0.6 मैक्सिमम करंट जो जनरेट कर सकता है कोई सोलर सेल या सोलर पैनल। अब एक डेटा शीट देख लेते हैं। डेटा शीट में क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर दिए होते हैं, तो पीक पावर जैसा मैंने पहले बताया पी मैक्स, तो ये क्या है 215 वाट। रेटेड वोल्टेज या वी एम पी पी, जब ये मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा होगा तो कितना वोल्टेज होगा उस टर्मिनल के अप्रॉक्सीमेट या अक्रॉस, सॉरी 39.8। रेटेड करंट आई एम पी पी 5.40 एम्पियर। ओपन सर्किट वोल्टेज वी ओ सी 48.3, शॉर्ट सर्किट करंट 5.8। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर किसी भी आपके सोलर पैनल के डेटा शीट में मिल जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पी मैक्स क्या होता है, वी एम पी पी, आई एम पी पी, वी ओ सी और आई एस सी। ओपन सर्किट वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो सोलर पैनल जनरेट कर सकता है, और वी एम पी पी हमेशा इससे कम होगा। जैसे देखो ओपन सर्किट कंडीशन में 48.3 वोल्ट ये डेवलप कर रहा है, तो रेटेड वोल्टेज कितना है इसका, 39.8 वोल्ट।
सिमिलरली शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो मैक्सिमम होता है किसी भी सोलर सेल से जनरेट करके या सोलर पैनल से जो जनरेट हो रहा है तो 5.8 एम्पियर, तो रेटेड करंट हमेशा इससे कम होगा। ये हम कैरेक्टरिस्टिक में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक है, तो इस करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ भी दी हुई है आईवी कर्व, तो इस मैक्सिमम पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं आईएससी, इस मैक्सिमम वोल्टेज को हम क्या कह रहे हैं वीओसी। एक पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है जो मैक्सिमम पावर है पी मैक्स, उस पी मैक्स के करस्पॉन्डिंग क्या है आपका वीएम या वीएमपीपी, और उसी के करस्पॉन्डिंग करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी आपकी आईएम या आईएमपीपी। तो ये पांचों इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको डेटा शीट में देखते आना चाहिए। उसके अलावा जो पैरामीटर है लाइक टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर का पावर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, करंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। एक और चीज़ होती है आजकल, क्योंकि हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज कितना है, तो 600 वोल्ट, तो आप इन पैनल्स को सीरीज में ऐड करके कितना मैक्सिमम वोल्टेज तक डेवलप कर सकते हो, इसके बारे में भी डिटेल में हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो डेटा शीट में इलेक्ट्रिकल डाटा आपको रीड करते आ गया, आईवी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने आज के वीडियो में बता दिया, पीवी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको बता दिया, मींस करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक और पावर वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। सीरीज पैरेलल कनेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। सीरीज पैरेलल कनेक्शन जो होते हैं, अगर मुझे मालूम है बैटरी के अगर कनेक्शन मुझे सीरीज में कनेक्ट करने हैं तो क्या होगा V1 और V2, तो इन दोनों को अगर मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया तो जो टर्मिनल पे मुझे वोल्टेज मिलेगा वो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। अगर मैं पैरेलली कनेक्ट कर दूं बैटरी को तो क्या होगा V1 और V2 को, दो बैटरी है, एक का वोल्टेज V1 है और दूसरे का वोल्टेज V2 है, तो अगर मैंने V1 V2 को इक्वल नहीं रखा है, V1 इज़ नॉट इक्वल टू V2, सपोज़ एक 12 वोल्ट की बैटरी को मैंने एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ पैरेलल कर दिया, तो हमें मालूम है करंट क्या होता है, हाई पोलैरिटी टू लो पोलैरिटी फ्लो करता है, और यहाँ 12 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या है जीरो, तो करंट यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगी, मीन्स ये 12 वोल्ट जो है 6 वोल्ट को सप्लाई करने लगेगा और ये 6 वोल्ट वाली बैटरी जल जाएगी। तो जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं किसी भी वोल्टेज सोर्स का तो मस्ट कंडीशन होती है कि दे शुड बी आइडेंटिकल, दोनों को बराबर होना चाहिए, V1 इज इक्वल टू V2, तो टर्मिनल पे आपको सेम वोल्टेज मिलता है जो कि आपका V1 हो सकता है या V2। अगर सपोज दो 12 वोल्ट की बैटरी ले ली मैंने, तो यहाँ जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा 12 वोल्ट, बट इन दोनों की करंट ऐड हो जाएंगे, मीन्स अगर आपने सपोज एक कार बैटरी है, कार बैटरी होती है 12 वोल्ट 35 AH के आसपास, अगर दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया, दो बैटरी ले ली ऐसी 12 वोल्ट 35 AH की, तो टोटल 35 प्लस 35 यहाँ आपको जो करंट मिलेगी 70 एम्पियर के आसपास मिल सकती है, बट वोल्टेज दोनों के सेम ही होंगे। सेम कॉन्सेप्ट लगता है हमारे सोलर पैनल में, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये ना तो करंट सोर्स है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ना ही वोल्टेज सोर्स की तरह। तो अगर आप दो सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्ट कर देते हो तो क्या होगा, दोनों के वोल्टेज ऐड हो जाएंगे V1 प्लस V2, और अगर आप दो सोलर पैनल को पैरेलली कनेक्ट कर देते हो तो दोनों के करंट ऐड हो जाएंगे, आउटपुट टर्मिनल पे। तो जब आपको वोल्टेज इंक्रीज करना हो पैनल का तो आप उनको सीरीज में कनेक्ट करें, और आपको जब करंट इंक्रीज करना हो तो पैरेलली कनेक्ट किए जाते हैं सोलर सेल। अब मैं बार बार सोलर सेल पैनल का भी मॉड्यूल ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो एक बार क्लियर कर देते हैं कि पीवी सेल जो होता है नॉर्मल सिंगल पीएन जंक्शन डायोड होता है, मतलब ऐसा सेल जिसमें एक ही पीएन जंक्शन डायोड हो, तो वो क्या कहलाता है आपका सोलर सेल। इन्हीं सेल्स को अगर मैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते जाऊं और उन्हें एक
मेटल इनक्लोजर में डाल दूं तो क्या हो जाता है, पीवी मॉड्यूल इसके नंबर्स होते हैं 36, 72, 96, इस तरह से सिमेट्री के लिए। तो ये क्या कहलाते हैं आपके, पीवी मॉड्यूल या सोलर पैनल। अब इन्हीं मॉड्यूल को, क्योंकि एक पीवी मॉड्यूल की पावर रेटिंग 250 वॉट के आसपास होती है, इतने अकेले से तो हमारा क्या काम चलता नहीं, तो हम इनको सीरीज पैरेलल कनेक्ट करके इनकी वोल्टेज करंट रेटिंग या अल्टीमेटली पावर रेटिंग बनाते हैं, इस तरह से स्ट्रिंग बनाते हैं। तो ये टोटल क्या कहलाता है आपका, पीवी अरे। तो जो हमने वहाँ मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज देखा डेटा शीट में, वो ये होता है कि आपको किसी भी पैनल को सीरीज में इतनी बार कनेक्ट करना है कि उसका मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज, क्योंकि हमने देखा सीरीज कनेक्ट करने में क्या होगा, आपका वोल्टेज ऐड होते जाएगा। तो इतने ही पैनल आपको सीरीज में कनेक्ट करना है कि उसका मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज एक्सीड ना करे, मैक्स सिस्टम वोल्टेज। ये आपका सिक्स्थ पैरामीटर था डेटा शीट में, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने सोलर सेल की IV कैरेक्टरिस्टिक, पावर वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, ये सब पे देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सोलर पैनल मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग क्या होती है, या मैक्सिमम पावर किन केस में डिलीवर करता है। तब तक के लिए थैंक यू।